नमस्कार, वैश्यपा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चलो रुक करते खास खबरों की ओर। सीबीआई जज बीएच लोहा की मौत के मामले में एसआईटी जांच वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी जांच वाली याचिका में कोई दम नहीं है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसी याचिकाओं के लिए कोर्ट के पास समय नहीं है, इससे कोर्ट का वक्त बर्बाद होता है। धीरज गुप्ता की खबर के मुताबिक गया शहर के कुजापी गांव में 5 दिवसीय 24 कुंडे गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। 1001 कलश व गाजे बाजे के साथ निकाली गई भव्य कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। श्रद्धालु पिता महेश्वर घाट से कलश में जल भरकर यज्ञ मंडप वापस पहुंच गए। शहपुर से संवाददाता संतोष गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जिला मुख्यालय शहपुर के हैवी मशीनरी टीन शेड परिसर में अक्षय तृतीया पर 428 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में क्षेत्रीय विधायक दुर्गालाल विजय, जिला पंचायत अध्यक्ष कविता मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गर्ग, नगर पालिका अध्यक्ष दौलत राम गुप्ता सहित तमाम लोग मौजूद थे। शहपुर से संवाददाता संतोष गुप्ता के मुताबिक शहपुर जिले की तहसील विजयपुर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विजयपुर जनपद पंचायत के सभागार में 40 जोड़ों की शादी हुई। इस दौरान एसडीएम एनआर गौर, तहसीलदार भरत कुमार, जनपद सीईओ जोशुआ पीटर मौजूद रहे। संतोष गुप्ता की खबर के अनुसार वीरपुर के राठौड़ समाज के सम्मेलन में शिरकत करने आई पीएम मोदी की पत्नी यशोदा बहन मोदी का स्वागत कराहल की राठौर समाज की महिलाओं ने किया। यशोदा बहन मोदी ने कहा कि समाज की बेटियों को शिक्षा दिलाए, कम उम्र में बेटियों की शादी नहीं कराए। मुझे आप सभी से जो स्नेह मिला है, मैं भी चाहती हूं कि हर बेटियों को शिक्षा मिले। बेटियां समाज नहीं बल्कि देश का नाम भी रोशन करती हैं। अग्रवाल महासभा मध्य प्रदेश भोपाल से ग्वाल महासभा का चंबल संभाग का मीडिया प्रभारी के पद पर संतोष कुमार गुप्ता को चयन किया गया। इस दौरान उनको बधाई का तांता लग गया। गुप्ता को अग्रवाल महासभा ने बधाई दी, जिनमें कैलाश चंद गर्ग, पवन गुप्ता, रामू सिंघल, नागिन मोहन सिंघल, जगदीश प्रसाद गुप्ता सहित बहुत लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश शहपुर के मानवाधिकार आयोग के हनुमान तिवारी ने कहा है कि विवाह सम्मेलनों में कम उम्र के बच्चों की शादी ना होनी चाहिए। इसके लिए मानव अधिकार आयोग के शिवपुर अध्यक्ष हनुमान मित्तल ने बताया कि हमने सम्मेलनों को ध्यान रखने के लिए विमल को वहां पर भेजते हैं। मुन्ना पासवान ने कहा है कि आप सभी के आशीर्वाद से मेरे नए प्रतिष्ठान एमएम मार्ट में शुभारंभ 21 अप्रैल को होना सुनिश्चित है। आप सभी अवश्य पधारे, आपका स्वागत है, जिसका उद्घाटन बोधगया से विधायक कुमार सरजीत करेंगे। हमारे संवाददाता विकास स्वरूप के मुताबिक दमोह में लगातार 8 वर्षों से जारी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त वाणिज्य कर मंत्री जयंत मलैया और उनकी डॉक्टर पत्नी सुधा मलैया के साथ शहर के 200 परिवारों ने कन्यादान लिया। इस सामूहिक विवाह का आयोजन बुंदेली दमोह महोत्सव में तहसील ग्राउंड पर किया गया। संवाददाता जिशान ने बताया कि उन्नाव और कठुआ में हुए दुष्कर्म मामले ने एक बार फिर से हमारा सिर शर्म से झुका दिया है। कठुआ मामले की गूंज संयुक्त राष्ट्र में सुनाई दी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनिया गुतेरेस ने इस मामले में दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और उन्हें सख्त सजा देने की अपील की है। दिल्ली से जिशान की खबर के मुताबिक रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली के तहत हर साल लगभग 55 करोड़ यात्री टिकट बुक कराते हैं। इनमें से केवल 52% यात्रियों को ही कंफर्म टिकट मिल पाता है। बाकी 48% यात्रियों को या तो टिकट कैंसिल करानी पड़ती है या वेटिंग लिस्ट टिकट पर ही यात्रा के लिए मजबूर होना पड़ता है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए वैश्य न्यूज। नमस्कार।